हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स इन प्लांट ब्रीडिंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो भी कन्वेंशनल मेथड्स है हमारे प्लांट ब्रीडिंग के, तो हमने वो पढ़े, मेथड्स पढ़े, और तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स कौन कौन से हैं जिनसे हम ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं ये क्या है, मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेज भी होती हैं ये। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं इनमें कई सारे टूल्स आते हैं तो जो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर हमारा हो गया, फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा हम कई तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं और असिस्टेंट प्लांट डेवलप कर सकते हैं किसी डिजीज़ के अगेंस्ट। तो उसमें आता है जैसे टिश्यू कल्चर में जैसे हो गया एम्ब्रियो रेस्क्यू हो गया, वो किस लिए होता है, वो एम्ब्रियो रेस्क्यू यूज करते हैं कि अगर हमने वाइड हाइब्रिडाइजेशन कराया और उसमें सीड, क्योंकि वाइड हाइब्रिडाइजेशन जब हम करवाते हैं तो सीड डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब सीड क्या हो जाए, जो फर्टिलाइजेशन होता है स्टिंग में वो अबॉर्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है सीड। तो उससे हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू द्वारा जो है इससे सीड डेवलप कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर से प्रोटोप्लास्ट कल्चर द्वारा हाइब्रिड डेवलप करते हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और उसको प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसको मिलाकर हम क्या करते हैं, हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं। और एंथर कल्चर हो गया, पॉलन कल्चर हो गया, एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर मेनली किस में यूज होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करने में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वर्ड क्वाइंड बाय कार्ल इरेकी। जो कार्ल इरेकी थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है डेवलप किया था। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय कार्ल इरेकी ए ह्यूमिजेनेरियर इंजीनियर्स इन 1919 में इन्होंने बताया था कि जो यूज किया था बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रवि एंड राय द ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रेस्ड बैक टू प्रीहिस्टोरिक टाइम व्हेन फार्मर्स एंड गार्डनर्स स्टार्टेड द यूज ऑफ ग्राफ्टिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। और जो राय के अनुसार वो कहते हैं कि जो जब फार्मर्स ने स्टार्टेड किया था कि, और जो गार्डनर्स थे मतलब जो बगीचे, जो गार्डन माने बगीचे, जो बगीचे को बगीचे की खेती करने वाले या जो हमारे किसान थे, यूज ऑफ ग्राफ्टिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन अमंग स्पेसीज विद ए व्यू टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एंट्रीब्यूट। जब भी फार्मर्स ने स्टार्ट किया था ग्राफ्टिंग और हाइब्रिडाइजेशन, तब से ये मानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी तब से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीड बायोटेक्नोलॉजी, कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, कि जो हम बायोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं वो क्या हो, हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज। तो इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है जो डेवलप किए गए, तो वो बैसिलस थ्रिजेंसिस बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप किए हैं। वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। और ये किसके अकॉर्डिंग था, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ये इन्होंने डिफाइन किया था कि बायोटेक्नोलॉजिकल जो एजेंट है वो हमारे कंट्रोल में है, जब उनको यूज करते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोज मीन्स होता है लाइफ, टेक्नोज मीन्स टूल्स एंड लॉगोस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग टूल्स, स्टडी ऑफ लिविंग टूल्स, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं उनमें क्या, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
उनके ऊपर ही स्टडी करते हैं, और वही जैसे बीटी मान लो बैक्टीरिया है, ये मान लो क्या ये बैक्टीरिया होता है बैचलर थ्रेजेंस से, तो वो क्या है लिविंग ही तो है बैक्टीरिया, तो हम इसमें स्टडी क्या करते हैं लिविंग टूल्स की स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। फिर आता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, अभी तक हमने पढ़ा था कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या है कि वो लॉन्ग टाइम ट्रायल्स, उसमें हमें ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और लंबा समय लगता है, और लेकिन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हम क्या करते हैं हमने जीन आइडेंटिफाई किया और उसको बायोलॉजिकल मेथड या पार्टिकल गन मेथड द्वारा या इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा या प्रोटोप्लास्ट कल्चर द्वारा हमने उसको इनाकुलेट करा दिया, या हमने प्रोटोप्लास्ट में दो दो अलग अलग स्पेसीज का प्रोटोप्लास्ट लिया और उनको मैच करा दिया या उनको मिला दिया, तो उससे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमें जो हमारी प्लांट ब्रीडिंग है, वो जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, उसमें हमें बहुत लंबा समय लगता है और हमें ट्रायल लगाने पड़ते हैं, इन्वॉल्विंग हाई कॉस्ट, क्योंकि लंबा समय लगता है इसलिए हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और लिंकेज ड्रैग, ट्रांसफ़र ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, ऐसा ही हमने आपको पढ़ाया था जब ब्रीडिंग फॉर डिजीज असिस्टेंट और डिजीज असिस्टेंट, तो उसमें बताया था ना कन्वेंशनल वर्सेज नॉन कन्वेंशनल की एक उसमें स्लाइड होगी, उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें हमने पूरा अच्छी तरीके से बताया था आपको कि जब हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो हमारी ब्रीडिंग है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है और वो कैसे लाभदायक है बायोटेक्नोलॉजी देन द कन्वेंशनल ब्रीडिंग, क्योंकि जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें हम सिलेक्टिवल जीन ट्रांसफ़र करते हैं, बट जब हम बात करें अपनी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की, तो उसमें डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी, जिसमें हम अपने जिस वैरायटी में या जिस ऑर्गेनिज्म में हम जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का, कि अनडिजायरेबल जीन्स जो हैं चले जाते हैं अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन्स एंड इन दिस प्रोसेस ट्रांसफ़र बी में लॉसेस सम अदर यूजफुल जीन्स, और इससे हमारा क्या होता है लॉस होता है यूजफुल जीन्स के साथ। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स, जब हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अनरिलेटेड स्पेसीज में, जैसे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा, मतलब दो अलग अलग स्पेसीज में कराते हैं या अलग अलग जेनरा हो और सेम फैमिली में हम करवा दें, तो वो डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं तो उसमें सीड क्या होता है डेवलप नहीं होता है, जो उसमें क्या होता है अबॉर्ट हो जाता है सीड जो है डेवलप नहीं होता, तब हम यूज करते हैं किसको एम्ब्रियो रेस्क्यू, या हम बनाते हैं आर्टिफिशियल सीड्स, तब वहाँ पे यूज कर सकते, तब भी वहाँ पे क्या यूज होता है बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच यूज होती हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग द्वारा ये संभव नहीं कर सकते। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कर तो सकते हैं, डिस्टेंट क्रॉस करवा देंगे, लेकिन सीड हमें बहुत ही कम मात्रा, मतलब बहुत कम संभावना रहती है सीड बनने की। इसके बाद आता है अनदर लॉसेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं तो उनमें क्या आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग मतलब सेम स्पेसीज में क्रॉस कराते रहना, जो रिलेटेड स्पेसीज हैं उनमें सेम स्पेसीज में ही जब हम क्रॉस कराते रहते हैं तो उनमें क्या आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिससे क्या होती है कुछ समय बाद उनकी जो पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं उनकी मान लो उनकी यील्ड घट जाएगी या जो डिजीज रेसिस्टेंट क्षमता है वो कम हो जाएगी। और इनइफेक्टिव फीनोटिपिक सिलेक्शन, और ये क्या है इनइफेक्टिव भी हो जाती है फीनोटिपिक सिलेक्शन में, हम फीनोटिपिकली हमने मान लो सिलेक्ट कर लिए प्लांट, लेकिन वो क्या है इन्फीरियर भी हो सकते हैं। एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस वायरल रेसिस्टेंट प्लांट इन केस ऑफ क्लोन्स, अगर हम क्लोन्स की बात करें, हम क्लोनल सिलेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें जो वायरल रेसिस्टेंट प्लांट होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा डेवलप करने में। ऐसे ही नॉट पॉसिबल ट्रांसफ़र ए जीन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनसे हम जीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसके द्वारा कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जीन। ऐसे ही इनइफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, इसके द्वारा हम कोई भी डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं डिजीज़ की,
कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग द्वारा। फिर आता है वाई यूज टू बायोटेक्नोलॉजी अप्रोचेज, कि हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच क्यों यूज करें। इलिमिनेट लॉन्ग टर्म ट्रायल्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रायल्स, क्योंकि जो हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग द्वारा जो ट्रायल्स लगाते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो उसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं हम, ट्रायल लगाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। बहुत लंबे समय तक हमने बायोटेक द्वारा जीन ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फील्ड में जब प्लांट जब हम तैयार करते हैं उसके बाद हम फील्ड में ग्रीन हाउस के बाद उसको फील्ड में इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इससे कई ट्रायल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 100% अचीवमेंट ऑफ जीन ट्रांसफ़र, नो ट्रांसफ़र ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स, इससे जो है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जो हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो 100% अचीवमेंट होता है उससे। और उसके साथ साथ क्या होता है फ़ायदा, कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग ने बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि डिज़ायरेबल जीन्स के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी चले जाते हैं, और लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच होती है उसमें अनडिज़ायरेबल जीन्स नहीं जाएगा, जो जीन हम सिलेक्ट करेंगे जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वही जीन उसमें ट्रांसफ़र होंगे। फिर ओवरकमिंग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन वैरियर्स, जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन वैरियर्स होते हैं उनको भी ये मतलब ओवरकम, मतलब उनको भी ये जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हम द्वारा हमने जो कराए हैं तो उसके भी ओवरकम हो जाता है, और उससे क्या होते हैं कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन इससे मतलब सफल हो जाता है, किससे, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड्स विदाउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हम इनब्रिड लाइंस डेवलप कर सकते हैं विदाउट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि इनब्रिड लाइन जब हम डेवलप कर सकते हैं, वो इनब्रिड लाइंस क्या होती हैं कि जब हम कोई भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पॉलिनेटन कराते रहते हैं हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा, तो उससे क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, और वो क्या होती है फुल्ली इनब्रिड लाइन डेवलप होती हैं, कैसे, क्रॉस पॉलिनेशन जो स्पेसीज होती हैं या क्रॉप्स होती हैं उनमें हम एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, एक साल हमने ट्रायल लगाया हमने सेल्फ पॉलिनेशन का, फिर अगली साल लगाया फिर सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, तब इनब्रिड लाइन डेवलप होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच द्वारा हम जो इनब्रिड लाइंस डेवलप करते हैं विदाउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनमें कोई भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। एंड इफेक्टिव मार्कर एसिड सिलेक्शन, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव मार्कर एसिड सिलेक्शन, जो मार्कर्स होते हैं वो मार्कर्स द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मार्कर एसिड सिलेक्शन कर सकते हैं, इफेक्टिव होता है इसके द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ वायरल रेसिस्टेंट प्लांट इन केस ऑफ क्लोन्स, हम इसके द्वारा वायरल रेसिस्टेंट प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लोन्स, जब हम क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग क्यों करते हैं, जैसे हमारा शुगर केन हो गया और कई बहुत सारे प्लांट्स हैं, हॉर्टिकल्चर में अधिकतर क्या होती है क्लोनिंग ही होती है, बडिंग ग्राफ्टिंग होती है। फिर उसके बाद आता है नो स्पेसीज जीन्स वैरियर्स, इसमें किसी भी स्पेसीज का किसी भी जेनरा का हम क्या कर सकते हैं, जीनस का क्रॉस मतलब जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई भी बैरियर नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली ट्रू टू टाइप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप मतलब एकदम सेम अपने पेरेंट जैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं प्लांट ट्रू टू टाइप प्लांट। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स और बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज, तो जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज हैं वो क्या हैं, नॉन कन्वेंशनल हैं। जैसे पहला आता है, हमने सबसे फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया था कि टिशू कल्चर, तो टिशू कल्चर में क्या है, पहला आता है एंथर कल्चर, फिर एम्ब्रियो कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, फिर माइक्रो प्रोपोगेशन है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर मार्कर्स आता है। तो टिश्यू कल्चर के ये कल्चर्स हैं, जैसे एंथर कल्चर जो एंथर द्वारा होता है, जो मेल पार्ट होता है प्लांट्स का, जो उसका एंथर का हम कल्चर करते हैं। फिर एम्ब्रियो कल्चर का, एम्ब्रियो का कल्चर करते हैं जब हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, वहाँ पे जब
सीड फॉर्मेशन नहीं होता तब हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। एम्ब्रियो कल्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैच्योर एम्ब्रियो, एक इमैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो और इमैच्योर। तो जो इमैच्योर होता है, जो इमैच्योर एम्ब्रियो होता है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो एम्ब्रियो रेस्क्यू। ये एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है, इसी में हम जो बाइड हाइब्रिडाइजेशन जब हम कराते हैं तो एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा जो ये एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है या इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है, इसके द्वारा हम कल्चर करके प्लांट रीजेनरेट कर लेते हैं और इससे हमारा जो वाइड हाइब्रिडाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यू कल्चर में कैसे हम फॉलो करते हैं। जो तो टोटी पोटेंसी होती है, जो सबसे मेन होती है वो क्या होती है, टोटी पोटेंसी। तो टोटी पोटेंसी से आप क्या समझते हैं, जैसे टोटी पोटेंसी क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल, ये क्या होती है, कैपेसिटी होती है ऑफ ए प्लांट सेल। किसी प्लांट के सेल हमने आइडेंटिफाई अलग कर लिया, कोई प्लांट है उसकी सेल हमने ले ली और उसके बाद जो है वो प्लांट सेल रीजेनरेट इनटू ए होल प्लांट। जो प्लांट सेल हमने लिया वो रीजेनरेट मतलब नया फिर से दोबारा से जनरेट हो जाए और नया प्लांट डेवलप कर दे इनटू ए होल प्लांट, मतलब पूरा प्लांट डेवलप कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी। और ये किसके अकॉर्डिंग है, वॉचिंग इन 1878। फिर आता है हमारा मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर ही एक ऐसा कल्चर है जिसके द्वारा हम वायरस फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं। मेरिस्टेम कल्चर द्वारा वायरस फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे, फर्स्ट एप्लीकेशन जो मेरिस्टेम कल्चर था, फर्स्ट एप्लीकेशन है मेरिस्टेम कल्चर डन टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स ऑफ डहलिया। जो पहला वायरस फ्री प्लांट जो मेरिस्टेम कल्चर द्वारा डेवलप किया गया वो किसमें, डहलिया में डेवलप किया गया था। वो किसके द्वारा, मॉरल और मार्टिन के द्वारा 1952 में। एंड एपिकल सूट एंड रूट मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। जो एपिकल सूट्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं, रूट्स होती हैं जो सूट, एपिकल सूट्स एंड रूट्स मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, ये क्या होती हैं, वायरस फ्री होती हैं। इसीलिए हम जो मेरिस्टेम कल्चर में यूज करते हैं वो एपिकल सूट यूज करते हैं या रूट मेरिस्टेम यूज करते हैं। और वो क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है इसलिए ये वायरस फ्री होती हैं। और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इनमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ड्यू टू एक्टिवली ग्रोइंग मेरिस्टेम सेल्स। इसमें क्या होती है, जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स होती हैं जिससे हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण ही इनमें क्या होता है, एक्टिवली ग्रोइंग मेरिस्टेम सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती हैं जिससे एब्सेंस ऑफ वेसिकुलर सिस्टम इन मेरिस्टेम्स। और इसके द्वारा ही फिर इसके कारण ही क्या होता है, इनमें वायरस फ्री प्लांट डेवलप होते हैं। तो ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, मेरिस्टेम कल्चर का प्रोटोकॉल्स। ये क्या क्या फॉलो करेंगे हम प्रोटोकॉल्स मेरिस्टेम कल्चर में, जैसे पहला है किया हमने बताया था ना अभी पिछली स्लाइड में कि जो है एपिकल सूट्स लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, सूट, ये क्या एपिकल सूट्स हमने निकाल लिया। जैसे यहाँ से देखो, सूट एपिकल मेरिस्टेम इन बर्ड्स, तो हमने एपिकल सूट ले लिया, फिर उसको स्टरलाइज किया। स्टरलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट से जब हम सैंपल लेते हैं तो उसको स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि उसमें डिजीज वायरसेस और बैक्टीरिया से ग्रसित होते हैं तो वो उससे अलग हो जाते हैं, स्टरलाइजेशन है। फिर कल्चरिंग इन मीडिया, एमएस मीडिया यूज करते हैं हम। एमएस मीडिया क्या है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है जिसको हम सबसे ज़्यादा जो है एमएस मीडिया ही यूज होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, कल्चरिंग इन मीडिया। तो एमएस मीडिया क्या है, मिरासीगे एंड स्कूग, इसकी जो फुल फॉर्म है मिरासीगे एंड स्कूग, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था इस मीडिया को। फिर
एडिशन ऑफ ग्रोथ एडिटिव्स सब कल्चरिंग। एमएस मीडिया हमें डेवलप करने के बाद कुछ जैसे सप्ताह में या 15 दिन के बाद हमें क्या करना होता है, सब कल्चरिंग करनी होती है कि उसकी जो है एबिलिटी समाप्त हो जाती है कि वो इतने दिन तक उनको न्यूट्रिएंट दे सकता है। उसके बाद सब कल्चरिंग करते हैं, फिर उसके बाद रीजेनरेशन ऑफ सूट्स एंड रूट्स। उसके बाद हमने चाहे रूट्स लिया हो सूट्स लिया, उसके बाद उनको क्या हो जाता है, रीजेनरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है अचीवमेंट्स ऑफ मेरिस्टेम कल्चर्स। अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं मेरिस्टेम कल्चर के, तो ऑनियन क्रॉप्स है, तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ ऑनियन एलो ड्वार्फ वायरस। तो मेरिस्टेम कल्चर द्वारा ऑनियन में जो डिजीज था एलो ड्वार्फ वायरस, इसको एलिमिनेट कर दिया गया। और वो रेफरेंस इसका जो है वाल्की एट आल इन 1987 इन्होंने आइडेंटिफाई किया है ये रेफरेंस। उसके बाद सैलॉट, सैलॉट क्रॉप है, उसमें भी एलिमिनेट ऑफ ऑनियन एलो ड्वार्फ वायरस, इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर पी में सीड बॉर्न मोजैक वायरस, एलिमिनेट ऑफ सीड बॉर्न मोजैक वायरस, वो किससे संभव हुआ है, ड्यू टू मेरिस्टेम कल्चर, इसके द्वारा संभव हुआ है जो ऑनियन एलो ड्वार्फ वायरस एलिमिनेट कर दिया। और सीड बॉर्न जो मोजैक वायरस था पी का, वो भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद आता है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर क्या है, तो एंथर वो क्या होते हैं, एंथर्स आप सभी जानते हो मेल पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट्स के, ऐसे ये हो गया स्टैमन, ये स्टैमन हो गया, और इसके ऊपर ही ये क्या होते हैं एंथर लोब्स लगे रहते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें पॉलन भरे रहते हैं, इसमें बहुत सारे पॉलन लाखों की संख्या में एक एंथर लोब में। तो ये क्या हो गया, एक एंथर मेल पार्ट, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स का ये मेल पार्ट हो गया, किसी भी प्लांट के फ्लावर का मेल पार्ट हो गया, तो ये एंथर हो गया। तो इसी एंथर से हम क्या करते हैं, जो एंथर कलेक्ट करके उन्हीं एंथर का पॉलन मतलब कल्चरिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कल्चर कहते हैं। आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइंस, आइसोलेशन करते हैं होमोजाइगस लाइंस को, और हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं, एंड इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, इंडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसके द्वारा इंडक्शन कर सकते हैं, जैसे म्यूटेशन, इंडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो आपको म्यूटेशन की क्लास हम पूरी पढ़ा ही चुके हैं, तो उसमें आपको पता ही होगा म्यूटेशन इंडक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एजेंट जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ एक्सक्लूसिवली मेल पार्ट्स, मेल प्लांट्स इन एस्परेगस। ये देखो एक जो एग्जांपल है एस्परेगस का है, हाइब्रिड सॉर्टिंग और डबल हैप्लॉइड्स इन जीनोम मैपिंग, और इसके द्वारा हम डबल हैप्लॉइड्स प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे जीनोम मैपिंग में उसका यूज कर सकते हैं, एंड इन इट्स एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू स्पेसीज, और इसका जो एप्लीकेशन है कुछ ही स्पेसीज में, जैसे एंथर में भी आइदर एक्स और वाई। तो एक्स और वाई ये हैं क्या, हमने एक एग्जांपल लिया है और उसके बाद क्रॉसिंग करवाया दोनों का, और ऑल मेल प्लांट, ये सब क्या आ गए, ऑल मेल प्लांट। वाई इज कल्चर्ड एंड डबल हैप्लॉइड वाई वाई डेवलप्ड इट्स पॉलन यूज फॉर पॉलिनेटिंग फीमेल्स। फिर आता है एंथर सिलेक्टेड, फिर जो एंथर्स होते हैं वो कहाँ होंगे, फ्लावर्स में ही तो होते हैं, जो फ्लावर का ही तो पार्ट है एंथर्स है, तो उसको हम क्या करें, एंथर कलेक्टेड फ्रॉम स्टरलाइज्ड फ्लावर बड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लावर बड कलेक्ट करते हैं किसी भी फ्लावर से, और उसके बाद फ्लावर बड्स को हम स्टरलाइज कर लेते हैं। हमने आपको बता ही दिया पिछली स्लाइड में कि एंथर स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं। फिर स्टरलाइजेशन हमने कर लिया NaCl से, एंड सिक्वेंसिंग टू रिलीज माइक्रो स्पोर्स बाय प्रेसिंग। माइक्रो स्पोर्स क्या होते हैं, जो एंथर लोब्स अभी हमने आपको बताया था ना, जो एंथर लोब्स ये होते हैं, तो इसके अंदर जो होता है पॉलन बहुत ही माइन्यूट सा होता है, वो एकदम पाउडर फॉर्म में होता है। तब जब एंथर्स जब क्रश करते हैं तो उससे जो है हमारा क्या निकलता है, ये माइक्रो माइक्रो स्पोर्स जो हैं निकलते हैं उसके बाद, जब हम इसको क्रश कर देते हैं मतलब तोड़ देते हैं। एंड रिमूवल ऑफ एंथर्स डेवर्स थ्रो फिल्ट्रेशन,
और उसके बाद रिमूव कर देते हैं क्या एंथर का जो डाइवर्स जो ये एंथर के अलग जो पार्ट होते हैं ना लोब्स होते हैं तो उनको हम अलग कर देते हैं। एंड बेवल एंड लार्जर माइक्रोस्पोर्स आर सिलेक्टेड, और जो बेवल होते हैं मतलब जनरेट कर सकते हैं न्यू प्लांट से में जनरेट हो सके उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ पॉलन सस्पेंशन एट लो फ्रिक्वेंसी, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम पॉलन सस्पेंशन का, जो पॉलन का घोल होता है बन जाता है कल्चर बन जाता है घोल बन जाता है उसको सस्पेंशन करते हैं। फिर सुपरनेटेड डिस्कार्डेड एंड पैलेट ऑफ पॉलन रेस्क्यूपेंडेड इन फ्रेश मीडिया, फिर हम इसको फ्रेश मीडिया में डाल देते हैं और उसके बाद वॉश कर लेते हैं। फिर ऑप्टेन माइक्रोस्पोर एंड मिक्सड विद अप्रोप्रिएट कल्चर, जो माइक्रोस्पोर का जो मिक्सचर होता है उसको विद अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया, उसको विद अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया मतलब जो कल्चर मीडिया हम यूज करते हैं जैसे बताया था आपको एमएस मीडिया सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उसके साथ ले लेते हैं। फिर वही स्लाइड का आगे का पार्ट है ये, एंड फाइनल सस्पेंशन पेप्टाइड इनटू स्मॉल पेट्री डिशेस, और छोटी पेट्री डिशेस में उसको रख देते हैं। एंड लेयर ऑफ लिक्विड इन सस्पेंशन शुड बी थिन फॉर प्रॉपर एरेशन, और एक लेयर बना देते हैं मतलब थिन लिक्विड की सस्पेंशन जो लिक्विड होता है उसकी एक लेयर बना देते हैं और ऐसे बनाते हैं कि उनका जो है प्रॉपर एरेशन होता रहे। एंड सीलिंग विद पैराफिल्म टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे कि जो पानी की मात्रा होती है कल्चर में और उनमें तो वो ज़्यादा ना उड़े, इसलिए हम जो एक पैराफिल्म होती है उससे हम सील कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव माइक्रोस्पोर फ्रॉम आइदर एम्ब्रियो और कैली, एंड सब्सिक्वेंट प्लांट डेवलपमेंट वाय ट्रांसफरिंग टू सुटेबल मीडिया, और जो प्लांट डेवलप होंगे थे उनको ट्रांसफरिंग कर देते हैं सुटेबल मीडिया में, फिर रिकल्चरिंग कर देते हैं। देखो एक ये आपको दिखाया गया है कि जो हमने प्लांट्स है ये प्लांट का फ्लावर है, तो प्लांट के फ्लावर से एंथर हमने ले लिया और एंथर क्रस्ट किया है और एंथर्स कल्चर्ड इनटू न्यूट्रिएंट मीडिया, यहाँ पे देखो ये न्यूट्रिएंट मीडिया में जो एंथर्स हैं ये कल्चर्ड कर दिए गए हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जो एंथर से क्या हुआ हैप्लॉइड प्लांट डेवलप हो गया। ऐसे ही कैलस, यहाँ पे कैलस द्वारा हो रहा है, यहाँ पे पहले कैलस डेवलपमेंट हुआ उसके बाद हैप्लॉइड प्लांट डेवलप हुआ, वो किसके द्वारा एम्ब्रियो ये हमने यूज किया था जो एंथर कल्चर। तो ये बात हमारी हो गई एंथर कल्चर की। फिर एंथर कल्चर के जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे टोमेटो में डेवलप किया गया एमएस प्योर लाइंस, और चिली में इसमें 3 वैरायटी डेवलप की गई होमोजाइगस असिस्टेंट फॉर PYB पॉलोवेन। फिर आता है एम्ब्रियो रेस्क्यू क्यों, जो एम्ब्रियो रेस्क्यू है वो क्या है, एक्स प्लांट इमैच्योर एम्ब्रियो, इसमें हम क्या करते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो लेते हैं जब हम बाइड हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तब। उसके बाद यूज्ड फॉर ओवरकमिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स, यूज्ड फॉर ओवरकमिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स, तो ये क्या है एक दैट फ्रूट्स है, और ये फ्रूट है एक इसका सीड कोट हो गया, फिर ये एम्ब्रियो हो गया और इंडोस्पर्म, तो ये क्या कहलाता है सीड। तो जब हम बाइड हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं और उसमें सीड नहीं बन पाता है तब हम उसका यूज करते हैं किसका एम्ब्रियो रेस्क्यू का। फिर आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स इन डिफरेंट स्पेसीज, फ्यूजन ऑफ द टू सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज जेनरा और फैमिली, जब हम मतलब फ्यूजन मीन्स कंबाइन मतलब एक दूसरे को मिलाना, जब हम फ्यूजन कराते हैं सोमैटिक सेल्स का और डिफरेंट स्पेसीज हो या डिफरेंट जेनरा हो और फैमिली, जीनस और स्पेसीज और फैमिली तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो डिफरेंट स्पेसीज मतलब अलग अलग स्पेसीज या अलग
जेनरा का या अलग फैमिलीज का आर कंसीडर्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको हम कैसे में कंसीडर्ड करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तब हम उसको कहते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके, जैसे तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वो साइब्रिड होता है और हाइब्रिड हम जो वैसे डेवलप करते हैं कन्वेंशनल द्वारा। तो साइब्रिड में क्या होता है, एक आता है न्यूक्लियर जीन्स, एक आता है साइटोप्लाज्म केवल, उसके बाद डेवलप होता है साइब्रिड। और इसमें क्या होता है, जो हाइब्रिड होता है उसमें दोनों के न्यूक्लियस आते हैं और साइटोप्लाज्म कंटेन्स द टू प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एलोपॉलीप्लाइड्स, इसमें दोनों का न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड, प्रोडक्शन ऑफ नोवल इंटरजेनरिक एंड इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस, इससे हम जो क्या है नए इंटरजेनरिक और इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस डेवलप कर सकते हैं। और यूज्ड इन डिजीज असिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र, यूज कर सकते हैं डिजीज असिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र करने में। और यूज आ इन एबायोटिक स्ट्रेस असिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र, और इसका हम यूज कर सकते हैं एबायोटिक स्ट्रेस असिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र करने में भी, जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम है, सोलेनम एक्वियल है, तो उसको हमने सोमैटिक द्वारा डेवलप किया, जो सोमैटिक हाइब्रिड आया ये असिस्टेंट था फ्रॉस्ट एंड डिजीज असिस्टेंट, फ्रॉस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। तो इससे जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा हमने डेवलप कर लिया किसको, बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंट भी इसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉर, फिर ब्रेसिका नेपस और इरुका सटाइवा, ये किसके लिए, फॉर अमेलियोरेटिंग क्वालिटी ट्रेड्स। तो इसके बाद आया सोमैटिक हाइब्रिड आया विद लो इरुसिक एसिड कंसेंट्रेट कंटेंट, तो उसमें क्या था, जो ब्रेसिका होती है उसमें इरुसिक कंटेंट हाई होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है लो इरुसिक कंटेंट, तब हम इसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं लो इरुसिक कंसेंटेंट। तो इसमें क्या कराया, ब्रेसिका नेपस और इरुका सटाइवा का जब हमने क्रॉस कराया तो डेवलप हुआ क्या, लो इरुसिक एसिड कंटेंट। साइब्रिडाइजेशन में जैसे कैबेज प्रोटोप्लास्ट लिया और अगूरा सीएमएस ब्रोकोली लाइंस ली, और उससे डेवलप किया हमने कोल्ड टॉलरेंस सीएमएस कैबेज। साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल कैबेज की जो लाइन डेवलप की वो कैसी, कोल्ड टॉलरेंट, ये किस में आएगी, एबायोटिक स्ट्रेस में। अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये अचीवमेंट्स हैं जैसे सोलेनम मेलेंजिना रेसिस्टेंट टू स्यूडोमोनास, ये किसके साथ प्लस मतलब कराया गया क्रॉस इसका, सोलेनम इंटेग्री फोलियम, ऐसे ही है डिफरेंट डिफरेंट वो हो गए आपके अचीवमेंट्स। सोमा क्लोनल वेरिएशन, द जनरेशन ऑफ कंसीडरेबल वेरिएशन विच इज हेरिटेबल ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन द्वारा भी हम डिजीज असिस्टेंट प्लांट डेवलप करा सकते हैं। तो उसके क्या क्या वेरिएशन कैन बी क्रिएटेड फॉर हायर यील्ड और हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, फंगल टॉक्सिन रेसिस्टेंट, टेम्परेचर टॉलरेंस एंड सेलिनिटी टॉलरेंस, इनके लिए हम इसके द्वारा सोमा क्लोनल वेरिएशन द्वारा डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है रिकॉम्बिनेंट मतलब नया रिकॉम्बिनेंट, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना कि अलग किसी से, जैसे द आर डी एन ए टेक्निक इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ए डी एन ए। तो आर डी एन ए में क्या होता है कि हम ब्रेकिंग ऑफ डी एन ए मतलब डी एन ए को तोड़ते हैं, डी एन ए मॉलिक्यूल तोड़ते हैं एट टू डिजायर्ड प्लेसिस टू आइसोलेट ए स्पेसिफिक डी एन ए सेगमेंट, और उसके द्वारा डी एन ए को तोड़ने के बाद हम इसमें से स्पेसिफिक डी एन ए सिक्वेंस निकालते हैं जो डिजायरेबल होता है या हमारा जो इंटरेस्टेड सेगमेंट होता है, एंड देन इंसर्टिंग इन इट इन टू अनदर डी एन ए मॉलिक्यूल्स, और उसको हम इंसर्ट करते हैं अनदर डी एन ए मॉलिक्यूल्स में डिजायर्ड पोजिशन पे, एंड द प्रोडक्ट्स दस ऑब्टेंड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डी एन ए, और उसके बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डी एन ए कहलाता है। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज आर डी एन ए टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, आर डी एन ए टेक्नोलॉजी। फिर ट्रांसजीन्स क्या होते हैं, व्हाट इज ट्रांसजीन्स, तो ट्रांसजीन्स क्या होते हैं, द प्लांट इन विच ए फॉरेन जीन हैज बीन ट्रांसफर्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम किसी प्लांट में कोई भी फॉरेन जीन ट्रांसफ़र करते हैं तब
अब उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। जब हम किसी भी प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कोई फॉरेन जीन, फॉरेन मतलब उससे अलग बाहरी जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब उसको कहते हैं जेनेटिक या जेनेटिक इंजीनियर प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट। एंड द जीन सो ट्रांसफर्ड, और जो हमने जीन ट्रांसफ़र किया है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीन। फिर हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजीन्स। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसको हम एज ए प्लाज्मिड ले रहे हैं। तो प्लाज्मिड भी क्या होते हैं, एक प्लाज्मिड भी क्या होते हैं, ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, वो भी डीएनए ही होते हैं, वो भी प्लाज्मिड होते हैं, वही एज ए डीएनए होते हैं। तो उनको तो हमने ये क्या ले लिया, इसका प्लाज्मिड है जो ये हमने ले लिया, जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, जिसमें क्या होते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं। और हमने जो डीएनए लेना है, फॉरेन डीएनए, ये हमने आइसोलेट कर रखा है कहीं से रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें कितना है, इतना ही, तो इतना जो है रीजन इसका क्या है, इंटरेस्टेड है, मतलब यही डिजायरेबल जीन्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इको आर वन, और इको आर वन से ये क्या होगा, कट हो जाएगा किसमें, स्टिकी एंड में, इको आर वन द्वारा हमने कट करा लिया। और ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा हम डीएनए को, और जो हमारा ये है वेक्टर है या प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड क्या है, ये वेक्टर है, तो हम इनको दोनों को किससे काट लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। और इसमें एक ये स्टिकी एंड बन गया ऐसे, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं ये जो पार्ट है, ये एक किसी एक का ले लेते हैं हम यहाँ पे से। तो यहाँ से मान लो हमने इसका पार्ट उठाया और यहाँ पे जोड़ा, वो जो स्टिकी एंड था ऐसे, तो उसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, हाइब्रिडाइजेशन प्लस डीएनए लाइगेज द्वारा। जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो किसके द्वारा हुआ है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज इज ए मॉलिक्यूलर ग्लू। ये एक जैसे हम ग्लू यूज करते हैं ना किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए या जोड़ने के लिए, ऐसे ये मॉलिक्यूलर ग्लू है। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब मॉलिक्यूलर कैंची। तो ये डीएनए लाइगेज है, इनको दोनों को जोड़ने का काम करता है। हमने यहाँ से जो जीन जो ये स्टिकी एंड्स है ये ना, क्योंकि दो टाइप के डीएनए दो टाइप से कटता है, डीएनए जो है हमारा वो दो टाइप से कटता है, एक तो जैसे ये कट गया एकदम सेम, इसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड, मतलब दोनों तरफ से एकदम सीधा, और इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। ये जुड़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे ये देखो यहाँ पे, ये जो है इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जुड़ेगा, इसीलिए हम जो ब्लंट एंड होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, हम इसको लेते हैं स्टिकी एंड्स को लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे जो स्टिकी एंड्स है इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज यहाँ पे हमने यूज़ किया, और उसके बाद डीएनए इंसर्ट हो गया। फिर डीएनए इंसर्ट किस में कराया, बैक्टीरियल सेल में, जो बैक्टीरियल सेल है इसमें हमने डीएनए अपना इंसर्ट देखो ये करा दिया, और डीएनए में इंसर्ट कराने क्लोनिंग के बाद यहाँ क्या हुआ, रेप्लिकेशन के बाद जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया प्लेटेड ऑन मीडियम एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक हम इसमें डालते हैं मीडियम, और इसमें क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक होंगी, क्योंकि जो हमने बताया था जो प्लाज्मिड होता है इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है, इसीलिए हम जो जहाँ पे बैक्टीरिया जो प्लेटेड करेंगे, मतलब किसी प्लेट में हम जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उनको हम डालेंगे, तो इससे यहाँ पे जो मतलब फॉरेन जीन जिनमें डीएनए के साथ जो होंगे जो प्लाज्मिड होंगे वो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी डाई हो जाएंगे, ओनली बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो, यहाँ पे मतलब जो भी बैक्टीरिया कंटेनिंग डीएनए होंगे वही सर्वाइव करेंगे, बाकी मर जाएंगे, और उसके बाद हम
कल्चरिंग कर देते हैं, डीएनए प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, ये हमारा मिल जाता है यहाँ पे। तो इस ये सारी प्रोसेस हमारी क्या थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर आपके पेपर में आता है कि रिकॉम्बिनेंट व्हाट इज डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, तो आप इसको पूरा एज इट इज़ इसको आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। और जो मैंने स्टेप्स बताए, ये स्टेप्स जैसे पहला हो गया कि डीएनए, सबसे पहले डीएनए हमारा प्यूरीफाई करें, मतलब आइसोलेट करेंगे, फिर हम चूज बैक प्लाज्मिड मतलब वेक्टर चूज करेंगे, फिर उसके बाद ये तो सारी स्टेप्स हैं उनको आप लिख सकते हैं उसको। फिर आता है बीटी इंसेक्ट टॉक्सिन। तो जो बीटी हम जो यूज करते हैं, जो वो इंसेक्ट के लिए कैसे टॉक्सिक है, वीटी डिनोट्स बैसिलस थ्रेजेंसिस, मतलब बीटी की जो फुल फॉर्म है बैसिलस थ्रेजेंसिस है, ये सॉयल बॉर्न ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सॉयल बॉर्न होता है मतलब ये मिट्टी में पाया जाता है बैक्टीरिया। एंड हुज जीन प्रोड्यूस डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स दैट आर टॉक्सिक, इसमें जो जीन्स होता है, सभी जीन्स नहीं होते हैं इसमें टॉक्सिन, केवल ये जो है डेल्टा इंडोटॉक्सिन, ये जो पूरा जीन्स है ये है क्या है टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। ये ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के लिए नहीं, केवल इंसेक्ट और पेस्ट के लिए है। दी टॉक्सिन इंटरफेयर विद आइन अपटेक एल्कलाइन इंसेक्ट मिडगट, जो एल्कलाइन इंसेक्ट का मिडगट होता है, मिडगट क्या है, एक पाचन क्रिया का पार्ट है। एंड दे आर नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स बिकॉज इट वर्क इन द एल्कलाइन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ इंसेक्ट, ये केवल वर्क करेगा एल्कलाइन डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र होता है वो एल्कलाइन होगा, जिसका भी इंसेक्ट का उसी पे वर्क करेगा, तो इसलिए हमारे लिए और एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है। द इंजीनियरिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, तो एबायोटिक रेसिस्टेंस हम कैसे डेवलप करते हैं, जैसे हीट शॉक प्रोटीन इनकोडिंग जीन HSP17.7 इज फाउंड इन कैरेट, ये जो जीन है वो किसके लिए है, हीट के लिए रेसिस्टेंट है, HSP17 जीन, और इसमें किसमें पाया गया, कैरेट में। वाइल कैन बी ट्रांसफर्ड इन अदर स्पेसीज, और हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर स्पेसीज में, जो भी हमें क्रॉप्स जो है डेवलप करनी हो हीट के रेसिस्टेंट। और एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जीन्स, वो कैसे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, एंटी फ्रीजिंग जीन्स जो हैं वो किस में पाया गया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम विंटर फ्लोडर फिश, जो विंटर फ्लोंडर फिश है उसमें एंटी फ्रीजिंग जीन पाया गया, और वो ट्रांसफ़र किया गया टू टोमेटो एंड सोयाबीन, जो मछली का जीन है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया किस में, टोमेटो और सोयाबीन में, और वो कैसी हो गई, एंटी फ्रीजिंग मतलब फ्रीज के अगेंस्ट, मतलब फ्रीजिंग के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो गई। फिर आता है हमारा मार्कर्स क्या हैं, तो यहाँ पे हम बस आपको बस बता रहे हैं मार्कर्स क्या हैं, बाकी कल हम आपको बताएंगे फिर अगले लेक्चर में मार्कर, व्हाट इज मार्कर एंड डीएनए मार्कर एंड मार्कर एसिड सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मार्कर सिलेक्शन। तो आज हम केवल आपको, हमने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स और उसके क्या क्या उपयोग हैं और वो कैसे कैसे हमारे लिए सहायक हैं हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने में। तो मार्कर्स क्या होते हैं, मार्कर्स आर द इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ये क्या होते हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं हुज इनहेरिटेंस पैटर्न कैन बी फॉलोड एट द मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर लेवल, और जो इनहेरिटेंस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, फॉलोड एट द मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल और मॉलिकुलर लेवल पे, तो वो क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं। और जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं, द ग्रीन एक्शन इंडिकेट्स द रिप्रेजेंस ऑफ ए डिजायरेबल जीन्स, यहाँ पे जो जीन ग्रीन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, डिजायरेबल जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कोड दैट इज एसोसिएटेड विद द टू जेनेटिक मार्कर्स, और जो जेनेटिक कोड होता है आपने पढ़ ही रखा होगा प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में, जेनेटिक कोड्स, तो वो एसोसिएटेड होता है किससे, जेनेटिक मार्कर्स से। तो ऐसे मार्क्स हम कर लेते हैं और उसमें से जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्कर एसिड्स सिलेक्शन द्वारा।
तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर संपन्न होता है और हम फिर अगली क्लास में बात करेंगे कि मार्टिन मार्कर एसिड सिलेक्शन की मार्कर्स क्या हैं, मार्कर्स के टाइप क्या हैं, डीएनए मार्कर हो गया है, फिर उसमें मार्कर्स में आगे से पीसीआर बेस्ड मार्कर, नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर, तो नॉन में बस एक ही मार्कर आता है, बाकी सब पीसीआर बेस्ड मार्कर होते हैं। फिर मार्कर एसिड सिलेक्शन में हम बात करेंगे कि उसकी प्रोसेस क्या है, उससे फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।